वेलकम बैक टू वंदना ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे सिक्स स्टैंडर्ड के मैथ्स का चैप्टर थ्री इंटीजर्स। इसके पहले हमने चैप्टर वन और टू कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर थ्री इंटीजर्स, इसका प्रैक्टिस सेट फोर। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। सबसे पहले ये क्या है, ये नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि वन से स्टार्ट होते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इट गोज ऑन। ये क्या है? इन्फिनाइट है। इट्स नेवर एंडिंग नंबर्स। ये क्या होते हैं? नेवर एंडिंग नंबर्स। क्या आप मुझे कोई लास्ट नंबर बता सकते हो कि ये लास्ट का नंबर है? नहीं, हम जितने नंबर्स बोलते जाएंगे उतने नंबर्स आगे बढ़ते ही रहेंगे। नंबर्स है वो कभी भी खत्म नहीं होते। तो ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को बच्चों हम और क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। सपोज मैंने आपको बोला कि चलो पेन काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करोगे? वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से काउंट करोगे। तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे वन से स्टार्ट होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? और काउंटिंग नंबर्स भी हम इसको बोलते हैं। अब सेकेंड हमारा क्या है बच्चों? होल नंबर। होल नंबर्स भी क्या है? नेचुरल नंबर्स की जैसे ही है, बट वो होल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जीरो वन टू थ्री फोर इन्फिनाइट, ओके। क्योंकि होल नंबर का भी कोई एंडिंग नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में यही डिफरेंस है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। और नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि जीरो है जो नेचुरल नंबर नहीं है। बट नेचुरल नंबर्स सारे होल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया नेचुरल नंबर्स क्या है और होल नंबर्स क्या है। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैं नंबर लाइन बनाती हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ली। यहाँ पे मैंने लिखा जीरो, अब यहाँ पे लिखा वन टू थ्री फोर फाइव, इट गोज ऑन। अब यहाँ पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये क्या है? हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन तो हमने देखी है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जीरो के जो राइट हैंड साइड नंबर्स होते हैं, जीरो के जो राइट हैंड साइड नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स। वो क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर्स। देखो, अब पॉजिटिव नंबर्स में हमको यहाँ पे प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर के आगे अगर कोई भी नंबर नहीं, इट मीन्स ये नंबर क्या है? हमारा पॉजिटिव नंबर्स है। बट नेगेटिव नंबर के आगे हमको यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है, नहीं तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि नेगेटिव नंबर है। बट पॉजिटिव के आगे प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं है। अगर नंबर के आगे कोई भी नंबर साइन नहीं है तो इट मीन दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। अब हमारा ये आता है ये जीरो। जीरो हमारा ना तो नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर। जीरो के आगे कभी भी कोई साइन नहीं आती, जीरो के सामने कोई साइन नहीं आती। तो आई होप आपको ये नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर समझ में आ गए। जो नंबर्स देखो, अभी यहाँ पर टू है, ये टू है, वन से कितना बड़ा है? टू, वन नंबर बड़ा है। तो राइट हैंड साइड नंबर्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से बड़े होते हैं। अभी जैसे माइनस टू माइनस वन, माइनस वन क्या है? राइट हैंड साइड। तो माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस टू। और लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं वो राइट हैंड साइड के नंबर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। अब ये इंटीजर्स, ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स,
पॉजिटिव नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स हैं, जीरो भी, देखो पॉजिटिव नंबर्स जीरो, नेगेटिव नंबर भी हमारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में ही आते हैं। ये सब पूरा मिला के जो ग्रुप फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर जीरो एंड नेगेटिव नंबर टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ नंबर्स विच इज कॉल्ड द इंटीजर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा एंड जीरो भी आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि ये क्या है। ओके, ये जो जीरो है वो क्या होता है बच्चे, इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। जो ये जीरो है ओ ओरिजिन, ये नंबर यहां से ओरिजिन हो रहे हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स। ओके, अभी जैसे मैंने आपको बोला अभी प्लस वन का ऑपोजिट नंबर क्या है, -1। अगर हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर -2 है, -2 का ऑपोजिट नंबर क्या होगा हमारा, +2। ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ दीज आर अपोजिट नंबर्स, एक दूसरे के क्या होते हैं, वो अपोजिट होते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। हमको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। अब आप ये साइन देख के डरो मत कि ये क्या प्लस करना है माइनस करना है, नहीं, हमको क्या करना है, सिर्फ बताना है कि नंबर ये हमारा पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। जिसके आगे माइनस है वो हमारा नेगेटिव नंबर, और जिसके आगे प्लस है या कोई भी साइन नहीं है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, -5। ये नेगेटिव है, माइनस के साइन, तो कहाँ आएगा, -5। सेकेंड क्या है, +4, प्लस मतलब पॉजिटिव, तो +4 यहाँ पर आएगा। -2 क्या है, नेगेटिव, तो ये -2 यहाँ आएगा। 7 क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर, मैंने आपको बोला ना अगर नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है इट मीन्स वो नंबर क्या है हमारा, पॉजिटिव नंबर्स है। ओके, नेक्स्ट है हमारा +26, तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव नंबर। देन इट्स नेगेटिव -49 इट्स नेगेटिव नंबर। -37 देन -37 देन नेक्स्ट इज 19 तो 19। -25 नेगेटिव। +8 पॉजिटिव। 5 इट्स ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि नंबर के आगे साइन नहीं है इट मीन्स इट्स ए पॉजिटिव। नेक्स्ट इज -4 देन -12। अब 27 इज अ पॉजिटिव नंबर। था ना बच्चों, कितना इजी था, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हमको क्लासिफाई करना था। ओके, अब हम करते हैं हमारा सेकेंड सम। देखो अभी यही जो नंबर लाइन हमने पहले बताई थी यही नंबर लाइन है, बट यहाँ पर क्या है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो जो नेगेटिव नंबर्स है वो हमेशा कहाँ आते हैं, नीचे के साइड, और जो पॉजिटिव नंबर्स है वो कहाँ आते हैं, ऊपर के साइड, इट्स अबव द जीरो, अबव द ओरिजिन पॉइंट। और जो नेगेटिव नंबर्स है वो बिलो द ओरिजिन पॉइंट, यानी जो ऊपर वाले नंबर है वो क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव होंगे। ओके, और उसके बाद में हमारा ओरिजिन एंड देन हमारा नेगेटिव नंबर, समझो ये हमारा क्या है, सी लेवल। कोई भी चीज क्या होती है, सी लेवल से स्टार्ट होती है। कभी भी हम प्लेस स्टार्ट करेंगे कहाँ से होते हैं, सी लेवल के, कि और कौन सा लेवल लेंगे, कहीं कोई ऊपर होगा कहीं कोई नीचे होगा, बट सी लेवल क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है। तो सी लेवल के अबव जो होंगे वो किस में आएंगे, पॉजिटिव में, और सी लेवल के जो बिलो होंगे जो नीचे होंगे वो किस में आते हैं हमारे, नेगेटिव नंबर्स में आते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सी लेवल के अबव पॉजिटिव, सी लेवल के नीचे हमारा क्या होगा, नेगेटिव। आपको इतना ध्यान में रखना है, उसी के बेस पे हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन।
given below are the temperatures in some cities. Write them using the proper signs. Okay? अभी मैंने आपको क्या बताया, ऊपर होगा तो प्लस, बिलो होगा तो माइनस. अब हमको इसको साइन के अकॉर्डिंगली लिखना है. तो फर्स्ट क्या है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री. बिलो है तो मतलब क्या आएगा, नेगेटिव. तो शिमला का क्या आएगा, -7 डिग्री. दिस सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस. ओके, अब ये 12 डिग्री सेल्सियस बिलो है तो ये भी नेगेटिव. ये 22 डिग्री सेल्सियस अबव है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव. और ये क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री. इट मीन्स ये भी अबव है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. चलो हम आंसर्स लिख लेते हैं. शिमला क्या है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री. तो क्या आएगा यहाँ पे, -7 डिग्री सेल्सियस. दिस सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस, CELSIUS. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ले. ले क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री. तो ये भी नेगेटिव, -12 डिग्री सेल्सियस. अभी दिल्ली क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस अबव 0 लेवल. अबव है यानी कि क्या आएगा, +22 डिग्री सेल्सियस. देन नागपुर इज 31 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री. अबव है तो क्या हो जाएगा, +31 डिग्री सेल्सियस. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ ये. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग द प्रॉपर साइंस. अभी हमको क्या करना है, इसमें जो ये सेंटेंस दी है इसमें प्रॉपर साइन डालना है, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो फर्स्ट वन इज, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर बिलो सी लेवल. बिलो है, बिलो है तो क्या होगा हमारा, नेगेटिव. बिलो मीन्स नेगेटिव. तो हम इसको कैसे लिखेंगे आंसर को, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512. अभी यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन. साइन क्या आएगी यहाँ पर, नेगेटिव. अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ -512 फ्रॉम सी लेवल. ओके, फर्स्ट वन इज. नाउ सेकेंड वन इज, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज एट 8,848 मीटर्स. अभी देखो इसमें हमको अबव और बिलो नहीं दिया है, बट हमको यहाँ पे क्या दिया, हाइएस्ट पीक. इतना तो अंडरस्टूड है ना बच्चों कि हाइएस्ट पीक है तो वो कहाँ होगा, अबव सी लेवल. सी से लेवल से ऊपर होगा, नीचे तो नहीं होगा हमारा माउंटेन. हमारा जो हिमालय है वो क्या है, अबव है. तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, अबव, क्योंकि हाइएस्ट पीक है ऊपर पॉइंट. ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, +8,848 मीटर्स. तो इसको भी हम लिख लेते हैं, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज प्लस, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज +8,848 मीटर्स. नाउ थर्ड वन इज, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. काइट कहाँ होगी, अबव द ग्राउंड ही होगी. तो क्या करेंगे हम इसको, प्लस, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ +120 मीटर फ्रॉम द
ग्राउंड. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द टनल. टनल कहाँ होता है? अंडरग्राउंड होता है. द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 meters अंडर द ग्राउंड. अंडर द ग्राउंड नीचे, यानी कि कहाँ होगा? -2. द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ -2 meters फ्रॉम द ग्राउंड. The tunnel is at a depth of -2 meters from the ground. I hope आपको ये समझ में आया कि क्या integers होते हैं. Integers क्या होते हैं बच्चों? Positive numbers, negative numbers and zero. Okay? जो positive के ऊपर होंगे वो हमारा plus में आएगा, जो O के नीचे होंगे यानी origin के नीचे होंगे वो हमारे numbers क्या होते हैं? Negative नंबर्स होते हैं. और अगर हम जब इसको हॉरिजॉन्टली करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. एंड राइट हैंड साइड नंबर हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट 4 है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया. तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना. थैंक यू.